उत्तराखंड में भगवान के जयकारे गूंज उठे हैं। वजह चारधाम यात्रा की शुरुआत। बतदे बैकुंठ बद्रीनाथ धाम के कपाट आज पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। रिमझिम बारिश के बीच कपाट खुले तो भक्तों का उत्साह, उमंग और आस्था चरम पर दिखी, जैसा कि आप भी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। कपाट खुलते ही धाम जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। तरह तरह के फूलों से धाम को सजाया गया, जो मन को बहुत ही भा रहा है। बता दें कि बद्रीनाथ धाम से पहले यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ मंदिर के कपाट 10 मई को खोल दिए गए थे। वहीं अब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारों धामों की यात्रा शुरू हो गई है। आज कपाट खुल गया सब भक्तों के लिए और बहुत अद्भुत दृश्य देख रहे हैं आप, एकदम मनमोहक है और बहुत ही भक्तों में खुशी का लहर है। भगवान 6 महीना के लिए बद्री विशाल की कपाट खुल चुका है और बहुत ही अद्भुत है। क्या मानता है बद्रीनाथ जी की? बहुत ही मानता है कि 6 महीना नारद जी पूजा करते हैं, 6 महीना नर करते हैं। तो ये बैकुंठ धाम है, बैकुंठ धाम में बहुत ही विशेष महत्व है। आज 6 महीने बाद भगवान बद्री विशाल के पुनः दर्शन हो रहे हैं और इससे खुशी और क्या हो सकती है। भगवान बद्री विशाल से है कि देश में सुख शांति रहे और सभी धन धान्य रहे। पिछले 15 सालों से मैं लगातार भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए आ रहा हूँ। जब भी कपाट खुलते हैं तो ये परम सौभाग्य हमारा कि हमें यह दर्शन का मौका मिलता है। भगवान बद्री विशाल देश में कृपा बनाए रखें और सब लोग खुशहाल रहें, यही हमने यहाँ भगवान बद्री विशाल से कामना की है।